मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे पर लटक रहे जाए। बीजेपी के संस्थापकों में से एक और देश की सत्ता का केंद्र माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह का निधन हो गया। कल्याण सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याण सिंह को लखनऊ पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर को, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दे, यही प्रार्थना करता हूँ। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह जमीन से जुड़े बड़े राजनेता और कुशल प्रशासक होने के साथ साथ एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। यूपी के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह ने 89 साल की उम्र में SGPGI में आखिरी सांस ली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के निधन की जानकारी देते हुए कहा कि 23 अगस्त को नरौरा में गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दिन प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और जिस दिन यानी परसों सायंकाल नरोरा में गंगा जी के तट पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होगी। कल्याण सिंह के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश ने आज एक सच्चे राष्ट्रभक्त, ईमानदार और धर्मनिष्ठ राजनेता को खो दिया। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक सच्चे उपासक के तौर पर जीवन भर देश की सेवा की। समग्र देश में करोड़ों लोग कल्याण सिंह जी से के निधन से क्षुब्ध है, दुखी है, मैं भी उसमें से एक। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और कई सालों तक पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। कल्याण सिंह यूपी में भाजपा के पहले सीएम थे। उन्होंने पहली बार सीएम बनने के बाद मंत्रिमंडल के साथ सीधे अयोध्या जाकर राम मंदिर बनाने की शपथ ली थी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराए जाने के दौरान कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने की अनुमति नहीं दी थी। इससे पहले 30 अक्टूबर 1990 को जब मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवा दी थी। मुलायम सिंह यादव के राज में यूपी का प्रशासन कार सेवकों पर सख्त रवैया अपना रहा था। इस वक्त भाजपा ने मुलायम का मुकाबला करने के लिए कल्याण सिंह को आगे किया। कल्याण सिंह भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद दूसरे ऐसे नेता माने जाते थे जिनके भाषण सुनने के लिए जनता सबसे ज्यादा बेताब रहती थी। अयोध्या में ढांचा गिराए जाने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा था कि यूपी के सीएम के रूप में वह मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। एनआईसी की मीटिंग में स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा।
दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृहमंत्री श्री एसी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए, आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। सरेआम बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए कल्याण सिंह को जिम्मेदार माना गया। कल्याण सिंह ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 6 दिसंबर 1992 को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन दूसरे दिन केंद्र सरकार ने यूपी की भाजपा सरकार को बर्खास्त कर दिया। कल्याण सिंह ने इस्तीफे के बाद बिना किसी अफसोस के कहा था कि ये सरकार राम मंदिर के नाम पर बनी थी और राम मंदिर के नाम पर ही कुर्बान हुई है।